जय हिंद। इस वीडियो में बात करेंगे जो कैंडिडेट इंडियन एयरफोर्स का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं सिर्फ उनके बारे में। अब मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो कैंडिडेट पहली बार इंडियन एयरफोर्स का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उन्होंने 90% गलती कर रहे हैं। अब 90% गलती कहाँ पर कर रहे हैं यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और जो एग्ज़ाम में दोबारा बैठेंगे कैंडिडेट, यानी कि जिन्होंने एक बार एग्ज़ाम दिए हैं दोबारा बैठने जा रहे हैं या जो है तीसरी बार बैठने जा रहे हैं, उन सबके लिए भी एक इम्पोर्टेंट नोटिस है कि वह जो है अपना किस बेस पर जो है एग्ज़ाम में बैठे, यानी कि एक्स ग्रुप को स्ट्रांग करें कि वाई ग्रुप को, यह जानने के लिए वीडियो को वो भी पूरा ज़रूर देखिएगा। यानी कि मैं आपको बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स में दो होता है, एक होता है एक्स ग्रुप और एक होता है वाई ग्रुप। एक्स ग्रुप जो होता है वो टेक्निकल होता है, वाई ग्रुप जो होता है वो नॉन टेक्निकल होता है। वीडियो को देखिएगा, मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स के बारे में। इंडियन एयरफोर्स के बारे में तो देखिए, सबसे पहले इसके एग्ज़ाम पैटर्न हम जानेंगे, यानी कि एग्ज़ाम पैटर्न जानेंगे। तो देखिए एग्ज़ाम पैटर्न में क्या है कि इसमें जो है आपका जो है सिलेबस के बारे में दिया रहता है कि इसका जो है आपको क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या क्या करने की ज़रूरत है। तो देखिए एग्ज़ाम पैटर्न फॉर आईएफ एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप। आईएफ को बोलते हैं इंडियन एयरफोर्स और यह जो है ग्रुप है एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप। अभी बताए हैं एक्स ग्रुप जो होता है वह टेक्निकल होता है और वाई ग्रुप जो होता है वह नॉन टेक्निकल होता है। इसमें सबसे हार्ड एग्ज़ाम की बात करते हैं कि इसमें जो है सबसे हार्ड एग्ज़ाम किसका होता है, तो एक्स ग्रुप का होता है। किसका होता है? एक्स ग्रुप का होता है। और वाई ग्रुप का जो होता है वो नॉन टेक होता है, उसमें थोड़ा इजी आता है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर आपको सब कुछ क्लियर कर दूँगा। तो सबसे पहले समझ ले रहे हैं जो कैंडिडेट ग्रुप वाई के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उसके बारे में। तो देखिए जिन्होंने ग्रुप वाई के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए सब्जेक्ट और टाइम ड्यूरेशन के बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए इसके लिए सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, तो इसके लिए सब्जेक्ट है रागा और एक है इंग्लिश। अब रागा क्या है तो मैं आपको बता दूं कि ऑफलाइन एग्जाम में भी रागा के नाम से जाना जाता था और अब जो ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है उसमें भी इस सब्जेक्ट को रागा के ही नाम से जाना जाता है। अब रागा क्या है यह समझ लीजिए। देखिए आर से होता है रीजनिंग, ए से होता है अर्थमेटिक और जीए से होता है जनरल अवेयरनेस, ठीक है। इसके लिए टाइम ड्यूरेशन क्या रहता है तो आपको मैं बता दूं कि 30 क्वेश्चन रहेगा, यानी कि रागा से आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। रीजनिंग अर्थमेटिक और जनरल अवेयरनेस से 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जिसके लिए टाइम कितना मिलता है तो 25 मिनट, यानी कि 25 मिनट का समय मिलता है 30 क्वेश्चन के लिए। उसके बाद इंग्लिश के बारे में बात करते हैं, तो देखिए इंग्लिश आपको एक्स ग्रुप में भी देखने को मिलेगा और वाई ग्रुप में भी इंग्लिश देखने को मिलेगा। यानी यह नहीं है कि वाई ग्रुप में आपको इंग्लिश देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि यह नॉन टेक है, इसमें भी इंग्लिश देखने को मिलेगा। उसके बाद इंग्लिश के बारे में बात करते हैं, तो इंग्लिश में आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके लिए आपका समय मिलेगा 20 मिनट, इसके लिए आपका समय मिलेगा कितना 20 मिनट, तो 25 20 कितना हो गया 45 मिनट। यानी कि यहाँ पर आपको कन्फर्म हो गया कि 50 क्वेश्चन के लिए आपका टाइम ड्यूरेशन कितना हो रहा है 45 मिनट का, यानी कि वाई ग्रुप के लिए 50 क्वेश्चन 45 मिनट का समय, जिसमें निगेटिव मार्किंग होता है, यह जान जाइए निगेटिव मार्किंग होता है। तो जिसमें रागा बता दिए हैं, रीजनिंग होता है, अर्थमेटिक होता है, जनरल अवेयरनेस जिससे आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 25 मिनट का समय मिलेगा इसके लिए। उसके बाद जो है 20 क्वेश्चन इंग्लिश देखने को मिलेगा जिसके लिए समय मिलेगा 20 मिनट, टोटल 45 मिनट 50 क्वेश्चन। अब एक्स ग्रुप के बारे में समझते हैं, जिन्होंने एक्स ग्रुप के लिए फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, तो देखिए यहीं पर समझने की आपको ज़रूरत है। एक्स ग्रुप में अभी मैं बता दिया कि इंग्लिश तो सभी में देखने को मिलेगा, बता दिया हूँ इंग्लिश आपको सभी में देखने को मिलेगा वाई ग्रुप और एक्स ग्रुप में। बात करते हैं इसमें क्या बढ़ जाता है, तो मैथ और साइंस की संख्या बढ़ जाती है। अब मैथ और साइंस किस लेवल का रहता है यह समझिए। 10+2 का आपका मैथ और साइंस रहेगा, 10+2 का जो है मैथ और साइंस रहेगा। अब मैथ में मैं आपको बता दूं कि इंटीग्रेशन, कैलकुलेशन, ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिक्स ये सब देखने को मिलता है, यानी कि इंटरमीडिएट बेस का जो है मैथ का क्वेश्चन आता है, ठीक है। साइंस भी आपका इंटरमीडिएट का ही रहता है, तो जिसका स्ट्रांग सब्जेक्ट यानी कि फिजिक्स और मैथ है इंटरमीडिएट का, वो एक्स ग्रुप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं
या तो दोनों में भी अप्लाई कर सकते हैं, बोथ में भी अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। और जिसका 10+2 का जो है फिजिक्स और मैथ जो है वीक है, वह कैंडिडेट सिर्फ वाई ग्रुप का ही फॉर्म अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पर एक्स ग्रुप का फॉर्म अप्लाई कर देंगे तो आप फंस जाएंगे, आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका जो है स्ट्रांग जो है नॉन टेक के लिए है सब्जेक्ट, यहाँ पर है टेक्निकल का सिलेबस। ठीक है, टेक्निकल में मैं आपको बता दिया हूँ कि सीधे आपको 10+2 का मैथ देखने को मिलेगा, यानी कि 12वीं के ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, बता भी दिया हूँ कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है, सबसे अधिक कैलकुलेशन से देखने को मिलेगा मैट्रिक्स, उसके बारे में बात करते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए इसके लिए आपको बताया कि 20 मिनट का समय मिलेगा, इंग्लिश के लिए 20 मिनट का समय मिलेगा, यहाँ पर देखिए 20 मिनट का, मैथ के लिए 20 मिनट का और साइंस के लिए 20 मिनट का, टोटल समय कितना हो गया 60 मिनट, यानी कि 60 मिनट आपका समय मिल गया इन तीन सब्जेक्ट के लिए, इंग्लिश के लिए, मैथ के लिए और साइंस के लिए 20-20 मिनट का समय मिल गया। लेकिन यहाँ पर और समझिए, जो कैंडिडेट बोथ भरना चाहता है, यानी कि दोनों भरना चाहता है कि चलिए हमारा एक्स ग्रुप में नहीं होगा तो वाई ग्रुप में होगा, ठीक है, यानी कि एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप जो है, यानी कि फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर बोथ का एक ऑप्शन देता है कि क्या आप दोनों में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं एक्स और वाई में, तो आप वहाँ पर टिक कर सकते हैं कि हाँ हम बोथ में करेंगे, यानी कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वह बोथ होगा, आपको वहाँ पर वाई ग्रुप का भी देना पड़ेगा और एक्स ग्रुप का, आपका समय बढ़ जाएगा 85 मिनट का हो जाएगा। समझिए देखिए कैसे, बोथ के लिए बताता हूँ, ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई के लिए आपका जो टाइम है 85 मिनट का हो जाएगा। अब 85 मिनट का सोचेंगे कि कैसे होगा, तो समझिए यहाँ पर देखिए 60 मिनट किसके लिए हो गया, एक्स ग्रुप के लिए हो गया, 60 मिनट हो गया ना, देखिए इंग्लिश मैथ साइंस मिलाकर 60 मिनट हुआ ना, 20-20 मिनट, लेकिन 85 मिनट कहाँ से हो जा रही है समझिए, यानी कि जो कैंडिडेट यहाँ पर बोथ भरेंगे उन्होंने वाई ग्रुप का भी तो हल करेंगे, यानी कि वो भी जो है वाई ग्रुप का भी हल करेंगे, तो वाई ग्रुप में क्या बढ़ जा रहा है उसके लिए रागा बढ़ जा रहा है। इंग्लिश तो देखिए इंग्लिश वाई ग्रुप में भी रहेगा और एक्स ग्रुप में, मैं यहाँ पर कन्फर्म कर दिया हूँ कि इंग्लिश एक्स ग्रुप में भी रहेगा और वाई ग्रुप में भी रहेगा, रागा का सिलेबस बढ़ जाता है, रीजनिंग अर्थमेटिक और जनरल अवेयरनेस, यहाँ पर जो समय बताए हो 25 मिनट, यही समय क्या हो जाता है बढ़ जाता है, तो एक्स ग्रुप में यदि 25 मिनट आप ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 85 मिनट हो जाएगा ना, 60 और 25 कितना हो जाएगा 85 मिनट, यही समय क्या हो जा रहा है बढ़ जा रहा है, यानी कि उसको रागा भी करना पड़ता है। इंग्लिश तो वाई ग्रुप भी करेगा और एक्स ग्रुप भी इंग्लिश करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दिया हूँ, आपका जो बेस मजबूत है वही सोच समझकर फॉर्म को अप्लाई करना, ये नहीं कि आपका 10+2 का मैथ अच्छा नहीं है यानी कि वीक है और फॉर्म जो है अप्लाई कर दिए एक्स ग्रुप में तो आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है। आपका वाई ग्रुप है तो वाई ग्रुप का सिलेबस पढ़िए, आपको 8वीं से जो है लो होता है, यानी कि 6वीं 7वीं का जो होता है मैथ आता है, बहुत लो लेवल का आता है, रीजनिंग आता है और वहाँ पर जनरल अवेयरनेस कुछ देखने को मिलता है, लेकिन एक्स ग्रुप में आपको सब कुछ टेक्निकल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यही होता है एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप में अंतर, जो आपका सिलेबस स्ट्रांग है वीक है उसको सोच समझ कर फॉर्म को अप्लाई करना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद जय भारत।